और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है दिल्ली से, जहां दिल्ली पुलिस के करीब 1000 जवान कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 1000 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और दिल्ली पुलिस के 1000 ये पुलिस जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव। सभी 15 जिलों और पुलिस के दूसरे विभागों में ये पॉजिटिव हुए हैं। सभी होम आइसोलेशन में कर रहे हैं इलाज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, अभी आपको एकदम सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आप देखिए दिल्ली का माहौल किस तरीके से हो गया। जब तक आपको बहुत जरूरी ना हो, प्लीज घर से कदम आप बाहर नहीं निकालिए, क्योंकि अब ये कोरोना का जो लहर है वो दूसरे दो कोरोना के फेजेस से अगर हम तुलना करें तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक। आप ये मत समझिए कि बहुत अस्पतालों में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है तो हम इसे इस खतरे को मोल ले सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ये सरासर लापरवाही होगी अगर आप इस तरीके से सोच रहे हैं तो। दिल्ली पुलिस के 1000 जवान पॉजिटिव हो चुके हैं, आप इसी से समझ लीजिए कि जो बाहर जाएगा। दीपक इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, हम कह सकते हैं जो बाहर जाएगा और जो लापरवाही करेगा वो कोरोना की चपेट में आएगा, आंकड़े यही संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, पुलिसकर्मी को वो फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर काम करते हैं, जहां तहां पुलिसकर्मी जो है उनको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है और यही वजह है कि पुलिसकर्मी धीरे धीरे इस कोविड के जाल में फंसे हुए आए हैं और तकरीबन 1000 का आंकड़ा उनका जो है वो पार कर गया है। और ये कहा जा रहा है क्योंकि सभी आइसोलेशन में है और सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया और सभी स्वस्थ है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं वो काफी चौंकाने वाला है और हैरान करने वाला है, क्योंकि दिल्ली के लोगों को ये समझना होगा, क्योंकि जिस तरह से पुलिसकर्मी या डॉक्टर सबसे आगे रहते हैं हर जगह पर, उनको अगर इस तरह से वो कोविड के पॉजिटिव केस उनके बढ़ते रहेंगे तो ये आंकड़ा काफी भयावह हो सकता है। इसलिए लोगों को ये सावधान रहना चाहिए और इसी तरह से ये सारी चीजें जो है अभी भी लगातार डीडीएमए की गाइडलाइन के अनुरूप अगर चलते रहे तभी ठीक हो पाएगा। फिलहाल शुक्रिया।